ऐसे हम राजस्थान से हैं, लोग 84 के दंगे में हम वहाँ पर थे स्टेशन के सामने, तो यहाँ पर ऐसा खाली मैदान था, तो यहाँ पर हमें 40 साल हो गए हैं बसे हुए। अंदर से चलो, आओ इधर से, इधर से। देखो एक बोले थे अब ये हमारी ट्रेन के हिसाब से हम वैसे ही चल रहे हैं, जैसे छोटी गलियां, रास्ता निकलने का भी बराबर नहीं है। वहां से ऐसे ये सर्कल है, इसी के अंदर 3000 लोग रहते थे, 2500 से 3000 और आगे था। और हमारा कारोबार था पहले बुजुर्गों का, कि जजमानी करते थे, तो वो काम नहीं रहा। जो आप स्कूलों में देखे होंगे, कागज़ के कटिंग करके बच्चों को बताते हैं, फूल मालाएं उनके साथ वो किताबें सेल करते हैं, ये हमारा कारोबार चलता था स्कूलों में। बच्चों को हम पेपर क्राफ्ट दिखाते, जैसे ट्री, फ्लावर्स, बर्ड्स। तो यहाँ सारे लोग वही काम करते हैं? वही, हम सारे लोग, हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार, राजस्थान के रहने वाले हैं। कारोबार तो है नहीं सर, यही हमारी कला है। तो हम बहुत सालों से ऐसे ही काम करते थे, लेकिन आमदनी कम थी, खर्चा बहुत था। फिर यहाँ पर जो MLA थे प्रेम सिंह, उसने हमारे बोला है कि भाई यहाँ बस जाओ, ये खाली जगह है, उनके बाद आपको कुछ ना कुछ करेंगे हम, वो भी नहीं किया। उसके बाद फिर राम सिंह आए, जो अभी तक वो भद्रपुर के एरिया में है, वो भी कुछ नहीं किए। इसके बाद फिर तुगलकाबाद में रमेश बिलोड़ी भी, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारा कारोबार स्कूल का था, अब तो लोग 10-20 भी इकट्ठे होने नहीं दे रहे। ऐसा हमारे पे कहर गिरा है कि बहुत परेशानी होगी सर। अब एक घर में किसी में 12, किसी में 10, किसी में 7, किसी में 8, क्या करें? जिसका फैमिली ज्यादा है उसका घर छोटा, एडजस्ट करके रह रहे हैं। पानी वानी कुछ भी पानी आता है, कभी आ जाता है, बाहर से भी आ जाता है, कुछ 20 रुपए का खरीद के पी लेके पानी ले लेता है। किस तरीके से निकल रहे, किस तरीके से जी रहे, किस तरीके से खा रहे हो हमको मालूम है, मगर एडजस्ट करके निकालना पड़ रहा, कहाँ जाए तो कहाँ जाएंगे। आपने राशन दिया खा रहे पका के? आपसे राशन दिया वो खा रहे सर। मरूं
आगे।